सिंगर बंदराज दीवाना के ऊपर हुआ एक बार फिर से वार। बंदराज दीवाना को गोली मारने की मिली धमकी। प्रोग्राम में बंदराज दीवाना ने बोला कि ये मेरे को गोली मार देगा। इस आदमी का स्क्रीनशॉट आप देखिए। नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। सिंगर मनराज दीवाना को एक बार फिर से गोली मारने की धमकी मिली है। यानी कि मनराज दीवाना ने स्टेज के ऊपर, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हैं कि मनराज दीवाना ने स्टेज के ऊपर जैसे ही कोई एक आदमी आया था उसको बोला कि ये मेरे को गोली मार देगा, ये मेरे को मार देगा, ऐसा बोला था और लोगों बोला इसको पकड़ लो। और मनराज दीवाना ने स्टेज पर गाली भी दी। पूरा मुद्दा क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जो भी वो आदमी आया था वो मिलने आए थे और वो जैसे ही उन्होंने ऑर्गन वाले से हाथ मिलाया और मनराज दीवाना गा रहा था और पीछे जैसे ही उनको देखा, ठीक है, और उनको जैसे ही उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत ऐसा बोल दिया कि ये मेरे को मारने आया है, ये मेरे को गोली मार देगा, इसको आप पकड़ लो, ठीक है, ऐसा हुआ था। जो कि उनका नाम राजेश जी शायद ऐसा कुछ था, वो लाइव में आए थे, ऐसा उन्होंने कुछ बता रहे थे। लेकिन पूरा मुद्दा क्या है आखिर, आप जानिए इस बात को कि क्या है। मतलब कि यार आदमी जो वो आए थे उनके ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने उनका पूरा लाइव वीडियो को देखा है, राजेश गुज्जर उनका नाम है, जिनका मैंने पूरा वीडियो देखा था। लेकिन मुद्दा यही था कि ऐसा होने के बाद में भी जो स्टेज के ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, आखिर क्या है मुद्दा पूरा। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे थे स्टेज के ऊपर तो इस तरह की बात हो चुकी थी। लेकिन अब इसके ऊपर कई सारे वीडियोज़ बन रहे हैं और कई सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ कि भाई लोग इतने सारे जो वीडियोज़ बना रहे हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो आदमी नहीं तो कोई गन लेके आया था ना ही कुछ लेके आया था। वो वहाँ पे गया था मिलने के लिए और उस बेचारे उस आदमी के ऊपर मनराज दीवाना ने कई सारे आरोप लगाए थे, समझ रहे हो बात को, जो कि उसने लाइव के अंदर खुलासे किए और कई सारे इल्ज़ाम लगाए कि भाई मनराज दीवाना साउंड वाले के पैसे खा गए, पेड वाले के पैसे खा गए, ऑर्गन वाले के पैसे खा गए, कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे। यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप देख लेना। तो भाई इस तरीके का मुद्दा हो रहा है, आप लोगों को कोई भी गुमराह करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सही प्रैक्टिकल समझाया जाए। तो वो आदमी जो लाइव में आ रहा था, वैसे झूठ झूठ तो नहीं बोल सकता है, तो मैं भी एक यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई इस बात का यही है। और आप लोग भाई चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और आगे क्या मुद्दा होने वाला है मैं आप लोगों को बता दूंगा।